हाय गाइस वेलकम। तो अभी आजकल इंडियन रेलवेज में हाइड्रोजन ट्रेन का काफी चलन चल रहा है ना। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया भी था कि इंडियन रेलवेज एक बड़ा टेंडर निकालने वाली है 35 हाइड्रोजन ट्रेन के लिए। इंडिया में आएंगी इसके बाद में ये ट्रेन, लेकिन इसी बीच कुछ गड़बड़ हुई है और बुरी खबर आई है। क्या? पहला तो ये कि एल्स्टॉम का नाम हाइड्रोजन ट्रेन को लेके इतना सामने नहीं आ रहा जितना एग्रेसिवली उन्हें रहना चाहिए था। मतलब एल्स्टॉम इंडिया में आज एक ऐसा नाम है कि आपको हर जगह दिखेगा। मेट्रोज हो, हमारे पावरफुल नए लोकोमोटिव्स हो, इवन आरआरटीएस में भी ट्रेन एल्स्टॉम ने ही प्रोवाइड किया है। तो ऐसे में एल्स्टॉम का आई गेस इस चीज के लिए एग्रेसिव ना होना कुछ अजीब सा है। तो एक्चुअली इसका एक कारण है, एल्स्टॉम इंडियन कंपनी नहीं है, राइट? तो बहुत सी कंट्रीज के लिए ये ट्रेन्स बनाती है और जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट पहले ही था। तो प्रॉपर सफल परीक्षण के बाद में जर्मन सरकार ने एल्स्टॉम से 27 यूनिट्स हाइड्रोजन ट्रेन की ऑर्डर की थी। $500 मिलियन से भी ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसका, और पिछले साल अभी दिसंबर तक सारी ट्रेन्स जर्मनी को डिलीवर हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी? सिर्फ 6। और उन 6 ट्रेन्स में भी कुछ बड़ा टेक्निकल इशू है, यानी कि प्रॉपर रूट पे जैसे ट्रेन्स चलती है ना, ऐसे प्रॉपरली वो 6 ट्रेन्स भी नहीं चल सकती। इससे पहली बात तो पैसेंजर्स को दिक्कत हो रही है, उस रूट पे प्रोजेक्ट काफी डिले हो गया था और इस वजह से कहीं ना कहीं एल्स्टॉम का नाम भी इन हाइड्रोजन ट्रेन्स के लिए खराब हुआ है। देखो ऐसा नहीं है कि एल्स्टॉम इसको ठीक नहीं कर पाएगा या ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन शायद इनको टाइम लगेगा और शायद इसीलिए ये लोग इंडिया के हाइड्रोजन ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए भी इतना एग्रेसिव नहीं है। खैर हम क्लियरली कुछ बोल नहीं सकते, हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट अभी आ ही रहा है, नई टेक्नोलॉजी है ये। वो तो अच्छी बात है कि इंडिया नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, पहले की तरह रेलवे की हालत होती तो अगले 15-20 सालों तक तो आपको और मुझे पता भी नहीं चलता कि हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है। इंडिया में चलने की बात तो बिल्कुल भूल ही जाओ। लेकिन इसके साथ एक और खबर आई है जो आई गेस आपको पता लग गई होगी, नहीं पता है तो एक्चुअली में मेधा ने एक ट्रेन डेवलप की है हाइड्रोजन ट्रेन, और ये लोग उसको कुछ दिनों पहले टेस्ट कर रहे थे कालका से शिमला वाले रूट पे। प्लानिंग यही थी कि कालका से शिमला तक ट्रेन को लेके जाना है। 11:15 के करीब ट्रेन शुरू हुई और 1 किलोमीटर जाकर के बंद पड़ गई। लगभग 40 लोग थे ट्रेन में, जिसमें इंजीनियर्स, मैकेनिकल स्टाफ, रेलवे के ऑफिशियल्स, यही लोग थे। ट्रेन को बंद पड़ने के बाद में वापस लाना पड़ा। पता चला कि कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से ट्रेन वहां से आगे ही नहीं बढ़ पाई। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, देखो इंडिया में, दुनिया में ये नई टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो ही रही है, तो फेलियर्स हमें मिलेंगे, लेकिन फेलियर्स से सीख के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार फेल होंगे तभी एक अच्छी तगड़ी ट्रेन इंडिया से आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये साल इंटरेस्टिंग रहेगा जरूर, क्योंकि साल के एंड तक टारगेट है कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन हम लोग चला के देखने वाले हैं। देखते हैं अचीव हो पाता है या नहीं। बाकी आपकी कोई भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, लिखिएगा जरूर। वीडियो में मेरी तरफ से यही अपडेट था। मुझसे अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा और ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।